नमस्कार, परमार्थ आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर युवा फाउंडेशन के तत्वाधान में चौबेपुर क्षेत्र के तिवारीपुर शुकुलपुर में महिलाओं और बच्चों को जागरूक करते हुए रैली निकाली गई। एक साथ महिलाओं और बच्चों ने कहा कि आखिर कब तक होता रहेगा हम पर अत्याचार, हम सुकून से घर से बाहर निकल नहीं सकते, आखिर कब तक होगी बच्चियां सुरक्षित। लोगों की गंदी नज़र हमारे कपड़ों को चीरते हुए हमारे आत्मा तक पहुंच जाती है, आखिर कब तक लगाना होगा हमें अपनी आबरू के लिए लोगों से गुहार, कब तक हमारे शरीर को हवस का जरिया समझकर निचोड़ा जाएगा। हम महिलाओं को एक साथ आना होगा, आवाज़ उठानी होगी। मिट्टी की मूरत को पूछते हो, जीती जाती गुड़िया को कुचल देते हो, ना डालो हम पर बुरी नज़र, हम आबरू हैं, हमें स्वाभिमान से जीने दो, समाज में रहने दो, हम पर बुरी नज़र मत डालो। समाज में जिस तरह से अश्लील गाने बजाते हैं, भाभी महिलाओं के प्रति हिंसा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अमरावती वेलफेयर सोसाइटी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा कार्यक्रम के। मुख्य रूप से मनीष श्रीवास्तव, सीमा चौधरी, शारदा, श्वेता ज्योति, निधि और जानकी बक्ता के साथ अन्य लोग शामिल रहे। मेरा नाम गुड़िया है, मुझे एक दिन के लिए सामान नहीं चाहिए, मुझे मतलब कि सुरक्षा, मतलब कि मैं जब तक जीवित रहूं तब तक मुझे सामान मिले और मुझे एक दिन का सामान नहीं चाहिए। सुरक्षित नहीं, आखिर हम लोग कब सुरक्षित रहेंगे, हम लड़कियां खिलाना नहीं। सर, मेरा नाम सीमा चौधरी है और आज हम लोग चौबेपुर में मैडम के साथ और बालिकाओं के साथ मिलकर के प्रोग्राम कर रहे हैं। आज जगह जगह आप देख रहे हैं कि लोगों को, लोग जो है लड़कियों को सम्मानित कर रहे हैं, बच्चियों को सम्मानित कर रहे हैं। हम यही पूछना चाहते हैं कि एक दिन का सम्मान क्यों, एक दिन के लिए आप हमें सम्मानित कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बाकी दिन तो हमारे साथ क्या हो रहा है, कभी तो हमें स्वाभिमान से जीने दो। हम तो सुकून से घर से बाहर भी निकल भी नहीं पाते हैं, डर लगा रहता है कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। तो एक दिन का सम्मानित किस लिए भैया, हमको नहीं चाहिए एक दिन का सम्मानित। यहाँ पे सभी बच्चियाँ भी हैं, सभी लोगों का बस यही है कि हम डर डर के घर से बाहर निकल रहे हैं। सुकून जैसे होता ना, लोग कहते हैं कि आजकल कपड़े जो है सबसे ज़्यादा ये सब घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, हम तो कर रहे हैं सबसे ज़्यादा अश्लील वीडियो और पिक्चर बढ़ावा दे रहे हैं, गंदे गंदे गाने बज रहे हैं, अपने परिवार के साथ बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो आज हम लोगों ने यही जागरूकता अभियान किया और एक छोटी सी रैली निकाली। धन्यवाद।